हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है न्यून मांग एवं अधिमांग। न्यून मांग को हम अभावी के मांग के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम न्यून मांग की स्थिति को देखते हैं तो हमारे को यह देखने को पड़ता मिलता है कि मांग कम है, और मांग कम है तो इसमें अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और इसका एक उल्टा होता है अधिमांग। अधिमांग का मतलब होता है जब समग्र मांग बहुत ज्यादा आ रही होती है समग्र पूर्ति की तुलना में, तो उसे अधिमांग बोलेंगे। और अधिमांग की स्थिति में ही क्या उत्पन्न होती है, स्फीति का अंतराल उत्पन्न होता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि के शेफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हमें न्यून मांग और अधिमांग चैप्टर का शुरुआत करनी है। तो इसकी थ्योरी पढ़ाने से पहले, इसकी न्यूमेरिकल समझाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो है पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो पहले उसको हम देख लेते हैं कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति क्या होती है, उसके बाद हम अगला टॉपिक समझेंगे। तो जरा पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लेते हैं, ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल है, पेपर में आप ये सब लिख के मत आना जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाँ डायग्राम बना के आ सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि हमारे पास जो लेबर है, लेबर मतलब श्रमिक है, वो है कितने, 100। ठीक है, श्रमिक हमारे पास 100 है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक बोले तो ईच कितना उत्पादन करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं ईच, लिख देता हूं इजी समझने के लिए। और जो हमारा ईच लेबर है वो प्रोडक्शन करता है 10 यूनिट का। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 100 लेबर को लगाऊं और सबके सब बनाए, माल बनाए, प्रोडक्शन करें, तो कितना बनेगा, 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000। अब बात समझिए, बात क्या है, हम सबसे पहले समझ रहे हैं पूर्ण रोजगार स्तर की स्थिति, जिसमें मांग जो आ रही है, समग्र मांग जो आ रही है, एडी जिसे हम बोलते हैं, एडी आ रहा है 1000। ठीक है, अर्थव्यवस्था में 1000 यूनिट की मांग आ रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कितना बनाऊंगा, 1000 ही बनाऊंगा। तो उसको एक डायग्राम की थ्रू समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इसको हम जीरो अक्ष बोलते हैं। यहां पर नीचे जो आती है वो तीन चीजें आती है बेटा, एक आता है आय, साथ ही यहां पर उत्पादन भी आता है, उत्पादन, साथ ही यहां पर बेटा क्या आता है, उत्पन्न का रोजगार को भी डिनोट किया जाता है, रोजगार। ठीक है, ये तीन चीजें यहां पर आ गई, और जो एडी और एएस है उसे यहां पर डिनोट किया जाता है, एडी और एएस को यहां पर डिनोट किया जाता है। अब सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जब एडी है वो एडी हमारा नॉर्मली ये जा रहा है, ये हमारा एक एडी जा रहा है। ठीक है, और अब एएस की बात करते हैं, तो एक जनरली एसी कहां से, एएस जो है जीरो से चालू होता है और ये हमारा जा रहा है एएस। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, बट तब भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करेगा। तो आप जब देख रहे हैं कि ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नीचे टच कर देंगे, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं भी देता हूं एम। अब आप ध्यान रखिएगा, जो ये ई बिंदु है, यहां पर एडी बराबर है किसके, एएस के बराबर है। क्यों, मैंने बोला कि यहां पर जो मांग आ रही है वो आ रही है समग्र मांग 1000 की, तो हमने सारे लोगों को अपनी लेबर को काम पे लगा दिया और सब लोग 10 यूनिट बना रहे हैं एक करके, तो टोटल कितना बनेगा, 1000। तो मतलब जब यहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है और सब लोगों को रोजगार पे लगा रखा है, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में भी है, प्लस सबको काम मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इस स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति भी बोल सकते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति भी बोल सकते हैं यहां पर। लेकिन क्या हो अगर हमारा उत्पादन कम या ज्यादा हो जाए, तो यहां पर दो स्थिति निकल के आती है। मैंने क्या बोला, संतुलन की स्थिति की अगर हम बात करें, तो संतुलन बेटा कहां होता है, जहां पर एडी बराबर होता है एएस के, जहां पर एडी एएस के बराबर हो वहां संतुलन होता है। तो अभी जब संतुलन था 1000 = 1000, ठीक है, समग्र मांग समग्र पूर्ति दोनों क्या थे, बराबर थे। लेकिन यहां से असंतुलन की अगर मैं बात करूं, तो दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है संतुलन में। क्या है वो दो स्थिति, सबसे पहली स्थिति होगी जब एडी ज्यादा हो जाए किससे, एएस से। इसका मतलब क्या है, जब हमारी समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, हमारी जो समग्र पूर्ति है वो पूरी मेहनत के साथ 1000 यूनिट है, लेकिन मांग कितनी हो गई, 1200 बेटा। अब आप नोट कर रहे हैं, ये ज्यादा हो गई, तो इस स्थिति को बोलते हैं अधिमांग। इसको क्या बोलते हैं,
अधिमांग। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ना है कि अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग हो जाए, अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग हो जाए तो उसे डायग्राम पे कैसे नोट करेंगे, उस स्थिति में होगा क्या, और साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे अधिमांग के कारण क्या होते हैं और अधिमांग को ठीक कैसे किया जा सकता है। ये इस चैप्टर में यही है। सेम इसके विपरीत एक और पॉइंट है, अगर मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में एडी से ज्यादा क्या हो जाए, एएस हो जाए। अब ये कब होगा, ये मान लो 1000 था लेकिन किसी वजह से लोगों ने अपना उत्पादन करना कम कर दिया, मतलब उत्पादन तो नहीं सॉरी मांग कम कर दी, मान लो आपने अपना उपभोग कम कर दिया। एडी में क्या क्या था आपने पढ़ा था ना, एडी में आता है जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अब इसमें से अगर एक भी चीज कम हो गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर हम यही देखने को मिल रहे हैं कि अगर किसी वजह से भी लोगों ने अपना उपभोग कम कर दिया, निवेश कम कर दिया, सरकारी व्यय कम कर दिया या फिर शुद्ध निर्यात कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते अपनी तरफ से 800 हो गया। आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, तो इस स्थिति को अभावी मांग या फिर न्यून मांग बोलते हैं, न्यून मांग या फिर अभावी मांग बोलते हैं। अब इस दोनों ही स्थिति में इस डायग्राम पे फर्क पड़ जाएगा। अगर बेटा मांग बढ़ जाएगी, क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर मांग बढ़ जाएगी तो आप नोटिस करना कि ये जो डायग्राम है ये ऊपर चला जाएगा, एडी वन ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर मांग घट जाएगी तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, एडी टू। लेकिन स्थितियां दो ही देखने को मिलेगी। अब यहां पर घट जाएगा तो अब ये कट यहां पे कर रहा है, इधर पे आ जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा तो उस तरफ चला जाएगा। तो पॉइंट हमें यही डिस्कस करना है कि क्या होगा अगर इस तरह से हो। तो पहले हम अभी मिटाते हैं एक एक करके कि किस तरह से काम करेगा। तो पहले हम इसमें से कौन सी टॉपिक समझेंगे, पहले हम न्यून मांग को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम अधिमांग को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना अभी इस चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूं, उसके बाद फिर न्यून मांग और अधिमांग को सेपरेटली वीडियो में, एक वीडियो में केवल न्यून मांग को खत्म करूंगा, एक वीडियो में सेपरेट अधिमांग को खत्म करूंगा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और समझाना चाहता हूं मैं आपको, जब मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में असंतुलन हो गया, असंतुलन का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया आपको, असंतुलन का मतलब हो गया भाई कि या तो एडी से ज्यादा हो गया है एएस, एक या तो एडी से ज्यादा हो गया है एएस, या फिर एडी से कम हो गया है हमारा, अच्छा ये एडी ग्रेटर देन है और ये एडी लेस देन है। ठीक है, इसको मैंने बोला जब ज्यादा होगा तो अधिमांग बोला मैंने, अधिमांग। अब अधिमांग को ठीक करने का उपाय है कि आप मांग को क्या करके रखे, नीचे लेके आए, मांग को नीचे लाए। लेकिन इस स्थिति में आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पे सप्लाई ज्यादा है, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यून मांग बोलते हैं, न्यून मांग, जिसे अभावी मांग भी बोलते हैं। और अगर मांग कम है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में मांग को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहां मांग क्या कर देंगे, यहां पे मांग को हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा, यहां पर मांग को हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो अब इन दोनों ही स्थिति में सब इनको ठीक करने के लिए, ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सुधार के लिए अगर आप पूछे कि उपाय क्या है, तो यहां पर दो उपाय निकल के आते हैं। पहला जो उपाय निकल के आता है वो आता है राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय कौन लेगा जी, ये लेगी सरकार, ये कौन लेगी, सरकार लेगी। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है जी, दूसरा हो सकता है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय ये कौन लाएगा जी, ये मौद्रिक उपाय जी लाया जाएगा देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन है हमारे देश का जी, आरबीआई। आरबीआई क्या लेके आएगा, इसके लिए उपाय लेके आएगा। तो जब आप बजट नीति की बात करते हैं, कर सरकारी व्यय वो सब किसके अंदर आ जाता है, राजकोषीय उपाय के अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम सीआरआर एसएलआर बैंक दर की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, केंद्रीय बैंक के अंदर आ सकता है, ये शायद मात्रा इधर से आएगी, जो भी है देख लेना। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब मुझे आप पहले कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले हमें इसको पॉइंट को कंटिन्यू करना है, अगर इस पॉइंट को कंटिन्यू करना है तो पहले हम न्यून मांग एक वीडियो में पढ़ लेते हैं,
उसके बाद अधिमांग, और एक वीडियो में सेपरेटली हम इसके उपाय पढ़ लेंगे। ओवरऑल चैप्टर में क्या है वो मैंने बता दिया, और अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जैसा आपको लगेगा कि सर इस पे काम करिए मैं उस पे काम करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।